जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलेगी जो शायद आपको पता ना हो, जिसके बारे में 1% भी ज्ञान ना हो काफ़ी लोगों को। तो जैसे कि आपने टाइटल देखा है कि कैसे और क्यों हुई अब्राहमिक सेक्ट्स की शुरुआत, यानी अब्राहमिक जो रिलीजियंस है, जो है जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इनकी शुरुआत क्यों हुई और कैसे हुई। सबसे इंपॉर्टेंट है क्यों हुई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर हुई क्यों, और कैसे इन्होंने जो पुराने ट्रेडिशंस थे, जो कि नेचर वर्शिपर्स थे, उन सब का विनाश किया, आज हम जानेंगे। और कैसे इन रिलीजियंस ने, या कहो अब्राहमिक बिलीफ्स ने, अब्राहमिक विचारधारा ने सनातन धर्म को भी ठेस पहुंचाई। सनातन धर्म में भी कुछ ऐसे सेक्ट, कुछ ऐसे लोग क्रिएट हुए जो उस टाइम पे इन्वेडर्स, जो कि हमारे यहाँ पे आए थे इंडिया में, अब्राहमिक इन्वेडर्स, उनकी मान्यताओं से इन्फ्लुएंस्ड हो गए, और इन्फ्लुएंस्ड होकर उन्होंने भी सनातन धर्म का जो स्वरूप है वो अब्राहमिक बनाने की कोशिश की। कम से कम अपने सेक्ट में तो कर ही दिया, यानी उनका जो खुद का सेक्ट है उसे एक तरह से अब्राहमिक स्वरूप दे दिया। और आज इस्कॉन भी वही कर रहा है, सनातन धर्म को अब्राहमिक बनाने में लगा हुआ है, बना ही दिया है एक तरह से। लेकिन हमें जानना पड़ेगा कि आखिर ये अब्राहमिक सेक्ट आए कैसे और क्यों आए, क्यों वो आए, ऐसा क्या कारण था कि अब्राहमिक सेक्ट जो है, या अब्राहमिक मेंटालिटी जो है, बिलीफ जो है, विचारधारा है, वो उस टाइम पे कुछ लोग लेकर आए, उसका क्या कारण है। तो आज हम जानेंगे ये एक्चुअली में पूरा इतिहास, जिस तरह से मैंने समझा है, जिस तरह से एज अ सीकर, एज अ खोजी, अलग अलग ग्रंथों को पढ़कर, अलग अलग पैगन ट्रेडिशंस को एक्सप्लोर करके, उनके बुक्स को पढ़कर, उनके स्क्रिप्चर्स को पढ़कर, फिर अलग अलग अकल्ट की जो किताबें हैं, सिर्फ ईस्टर्न अकल्टिज्म नहीं, वेस्टर्न अकल्टिज्म भी, उनकी जो मान्यताएं हैं, उनकी जो फिलोसॉफी है और उनकी जो कहानियां हैं, उसके अलावा सनातन धर्म का तो है ही, सनातन धर्म के जितने भी दर्शन हैं, उपनिषद है, गीताएँ हैं, पुराण हैं, एक्सेट्रा, और भी जो कुछ फिलोसॉफीज हैं सेक्टेरियन, तो इन सबको जो मैंने एक्सप्लोर किया है, जो मैंने जाना है, समझा है, उनके बारे में पढ़ा है, और सिर्फ एक्सप्लोर नहीं, यानी ये सब ट्रेडिशंस को एक्सप्लोर ही नहीं, साथ साथ में उसको कनेक्ट करने की भी कोशिश की है। किसके साथ? टाइमलाइन के साथ, हिस्ट्री के साथ। हिस्ट्री के साथ भी मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की कि कब किस मान्यता का इवॉल्वमेंट हुआ, यानी अलग अलग टाइम पे जो बिलीफ में भी जो इवोल्यूशन होती गई, कि अलग अलग विचारधाराएं इवॉल्व होती गई समय समय पर, और उस मतलब स्पेसिफिक रीजनल चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड होकर, उन सबको भी मैंने हिस्ट्री के साथ, टाइमलाइन के साथ, इन सबको कनेक्ट करके, इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने समझी, जो मैंने जानी, और आज मैं एक तरह से उन्हीं चीज़ों को शेयर करने जा रहा हूँ, उन्हीं चीज़ों को बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जो भी आज बात बोलूँगा वो एज अ सीकर, प्योर सीकर, एक खोजी ने अब तक जो अलग अलग ट्रेडिशंस को एक्सप्लोर कर करके, अलग अलग ग्रंथों को पढ़ पढ़ के, और उनको हिस्ट्री और टाइमलाइन से कनेक्ट करके जो समझा है, आज एक खोजी उसे ही शेयर करने जा रहा है। हो सकता है कि कुछ कुछ बातें मेरी सही ना हो, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है कि बहुत सारी बातें सही हो, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर मैं जो भी आज बोलूँगा वो एज अ सीकर बोलूँगा, एज अ खोजी बोलूँगा, और एक तरह से पूरी जो टीचिंग्स है, जो मैंने सीखी है, उसको ही मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा, जो मैंने समझा है उसको मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो हाँ, ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, क्योंकि मैंने इसमें लिखा ही है कि आज जान लीजिए पूरा इतिहास, तो पूरा इतिहास है, तो इतनी जल्दी तो इतिहास ख़त्म नहीं होगा, हालांकि मैं कोशिश करूँगा फिर भी नहीं होगा, और पूरा सच मुझे रिवील करना है, जो भी चीज़ें मैंने समझी है आज मैं वो सभी आपको शेयर करूँगा। हो सकता है मैं सही हूँ, हो सकता है कुछ कुछ बातें मेरी गलत हो, क्योंकि आखिरकार ये बातें वही होगी जो मैंने एक्सपीरियंस की है, मतलब एक्सप्लोर कर करके, जो मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की है, जो मैंने समझा है, उन सभी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ही मैं ये सारी बातें बोलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले स्टार्टिंग में, सृष्टि के आदि में, आप किसी भी रिलीजन की टेक्स्ट उठा के देख लो, किसी भी रीजन की, वो दुनिया का कोई भी कोना क्यों ना हो, ये पूरा जो आपका अर्थ है ना, पृथ्वी, पृथ्वी का कोई भी कोना उठाकर, उनकी जो सबसे ओल्डेस्ट सभ्यता रही है उस कोने की, और उनकी जो सबसे ओल्डेस्ट जो किताबें रही है, जब आप उन ओल्डेस्ट किताबों को, ओल्डेस्ट ग्रंथों को, ओल्डेस्ट सभ्यताओं को पढ़ोगे, तब
तब आपको रियलिटी में पता चलेगा कि जो ओल्डेस्ट रिलीजियंस थे यानी पृथ्वी के आदि मतलब शुरुआत में, उनकी मान्यताएं क्या थी, उनके बिलीव्स क्या थे, उनकी प्रैक्टिसेस क्या थी। तो मैंने जिस तरह से समझा है कि दुनिया के हर एक कोने, मतलब सारे कोने तो कवर नहीं किए मैंने, लेकिन जितना हो सके उतने, जितने मैंने ओल्डेस्ट ट्रेडिशंस की जो किताबें पढ़ी है, उनको समझने की जो कोशिश की है, उनके बिलीफ्स को जानने की जो कोशिश की है, उनमें मैंने यही पाया है कि स्टार्टिंग में सब लोग नेचर वर्शिपर्स थे। सब लोग, पूरी दुनिया, दुनिया का हर एक कोना, उनकी हर एक सभ्यता, उनके हर एक ग्रंथों में सिर्फ और सिर्फ नेचर वर्शिपिंग थी। और इसीलिए ओल्डेस्ट ट्रेडिशंस को पैगन ट्रेडिशंस भी कहते हैं, पैगन लोग, पॉलिटिस्टिक लोग, जो ये मानते हैं कि परम तत्व ये नेचर है, ये क्रिएशन ही परम तत्व का स्वरूप है। जो ये नहीं मानते थे कि भाई भगवान या परम तत्व कोई ऊपर बैठा व्यक्ति है, वहां पे हमें जाना है, वहां पे जाके मजे करने हैं, ऐसी मान्यताएं नहीं थी। बिलीव मी, अगर आप ओल्डेस्ट ट्रेडिशंस को एक्सप्लोर करोगे तो आप पाओगे कि देवर नेचर वर्शिपर्स, वो प्रकृति को सबसे ज्यादा मान देते थे, प्रकृति की उपासना करते थे, प्रकृति के एलिमेंट्स की उपासना करते थे, उसी को परम तत्व का व्यक्त स्वरूप समझकर। इसीलिए इसीलिए अगर आप वेदों को पढ़ोगे, सिर्फ ऊपर ऊपर से एक बार देखना कि आखिर ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद और बाकी के जो वेद हैं, आप पाओगे उन वेदों में नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की स्तुतियां है, यानी सूर्य की स्तुतियां आपको मिल जाएगी, ये जल, जल तत्व की स्तुतियां मिल जाएगी आपको, ये पेड़ पौधों की स्तुतियां मिल जाएगी आपको, नक्षत्रों की स्तुतियां, ऋग्वेद में नक्षत्रों की भी स्तुतियां है, नक्षत्रों की स्तुतियां मिल जाएगी आप, फिर ये नौ ग्रह तो है ही, नौ ग्रहों की स्तुतियां आपको मिल जाएगी। उसके अलावा जितने भी नेचुरल स्पिरिट्स हैं, जिन्हें कहते हैं स्थान देवता, या स्पेसिफिक जो जंगल है उनके देवता या देवी, या हम कह सकते हैं कि इवन एनिमल्स, एनिमल्स की भी वो पूजा करते थे, लेकिन उनको एनिमल मान के नहीं करते थे, उन्हें ये परम तत्व का ही एक व्यक्त स्वरूप समझते थे। इसलिए एनिमल वर्शिपिंग भी आपको वेदों में मिलेगी, कई जगहों पे मिलेगी, पेड़ पौधे पहाड़ इन सब की उपासना हम करते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे लोग जानते थे कि जो परम तत्व का जो व्यक्त स्वरूप है वो ये क्रिएशन ही है। कोई परम तत्व इतना बुजदिल नहीं हो सकता कि वो कोई ऊपर बैठा व्यक्ति हो, क्योंकि ऐसे परम तत्व को कोई परम तत्व मानेगा ही नहीं। परम तत्व कभी भी कोई सीमित नहीं हो सकता कि वो बस एक बॉडी में ऊपर कोई बैठा है, एक जगह पे बैठा है, बस वही है परम तत्व। ये मानना सबसे बड़ी चाइल्डिशनेस है, और ये मान्यता अब्राहमिक ट्रेडिशंस के बाद आई है, और इसलिए सनातन धर्म में भी ऐसी मान्यताएं थोड़ी थोड़ी इन्फ्लुएंस्ड हुई है, नो डाउट, वो मैं आगे समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप समझ लो कि अगर आप पूरी दुनिया में किसी भी रीजन पर इंक्वायरी करेंगे, उनकी ओल्डेस्ट सभ्यता के बारे में जानेंगे, उनके ओल्डेस्ट ग्रंथों के बारे में जानेंगे, उनके ओल्डेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में जानेंगे, तो आपको यह पता चलेगा कि पूरी दुनिया में सिर्फ नेचर वर्शिपिंग होती थी। लोग क्रिएशन को ही परम तत्व का स्वरूप मानकर ये क्रिएशन की उपासना करते थे। सबसे ज्यादा सूर्य उपासना आपको मिलेगी कहां पे? इंडिया में भी होती थी, उससे भी ज्यादा इजिप्ट में होती थी। इजिप्ट में सूर्य को ही परम तत्व के रूप में माना जाता था, वो सूर्य को ही सब कुछ मानते थे। ऐसे और भी सभ्यता जैसे मायन सभ्यता, अरे ये सारी सभ्यता तो है ही सबसे पुरानी। उसके अलावा आप वेदों को ही देख लो, एक बार वेदों का ओवरव्यू लो कि किस तरह से हर एक ग्रहों की, हर एक नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की, हर एक प्रकृति के तत्व की वहां पे स्तुतियां की गई है, उपासनाएं की गई, ये फाइव एलिमेंट्स की उपासनाएं की गई है वहां पर। आप पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, आपको इससे आइडिया आएगा कि रियलिटी में हमारी जो सभ्यताएं हैं, जो सनातन धर्म, या बोलो जो पूरे दुनिया में जो एकमात्र जो सनातन था, ऐसा जो रियल धर्म था, वो यही था कि लोग नेचर वर्शिपर्स थे। एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ बीइंग अ नेचर वर्शिपर। क्योंकि आप सब, आप ये सोचो कि कौन है चाइल्डिश, चाइल्डिश कौन है? वो जो जो परम तत्व को असीमित मानते हैं, जो परम तत्व को अनंत मानते हैं, जो मानते हैं कि परम तत्व कोई ऊपर बैठा नहीं हो सकता, सबसे चाइल्डिश है ये धारणा। जो ऐसा मानते हैं कि परम तत्व व्यापक है, जो ऐसा मानते हैं कि हर एक वस्तु में वो परम तत्व ही व्यक्त हो रहा है, हर एक वस्तु के रूप में वो परम तत्व ही है जो अपने आप को, अपने स्वरूप वैभव का आनंद ले रहा है। जैसे अच्छा एक एक कृति है शिवदृष्टि नाम की, उसमें लिखा है कि मतलब परम तत्व का स्वरूप बताया कि क्या है परम रियलिटी क्या है, तो उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी है जो मैं हमेशा पढ़कर मतलब आनंदित हो उठता हूं। उसमें ये लिखा है कि जैसे एक सुंदर स्त्री जब स्वयं को शीशे में देखती है और स्वयं की ही सुंदरता पे मोहित हो जाती है, आनंदित हो उठती है कि वाह मैं कितनी सुंदर हूं, वैसे ही वो परम तत्व जो है
वो अपने आप को ही इस सृष्टि के रूप में, सुनना अच्छे से सुनना, परम तत्व जो है वो अपने आप को ही इस सृष्टि के रूप में प्रकट करके स्वयं ही स्वयं के आनंद को एक्सपीरियंस कर रहा है, अपने आप को ही। उसमें लिखा है स्वरूप वैभव, अपने ही स्वस्वरूप वैभव को वो एक्सपीरियंस कर रहा है हम सबके रूप में। हम सबके अंदर जो अवेयरनेस है उसके रूप में वो परम तत्व ही अपने आप को अपने आप से एक्सपीरियंस कर रहा है। ऐसे परम तत्व को मैं प्रणाम करता हूं जो अनंत है। बाकी आप सोचो, आप अब्राहमिक रिलीजियंस को देखो, ऊपर कोई बैठा है, इतना हिजड़ा है, नपुंसक है, जो ऊपर ही बैठा रहता है, जिसने हमारे मतलब अपने बच्चों को ही दुख में छोड़ दिया है यहाँ वहां, और बेचारे शरत भी रखे, जब तक सरेंडर नहीं करोगे मैं अपने जग अपने लोक में तुम्हें जगह नहीं दूंगा। तो ये सब धारणाएं कितनी चाइल्डिस्टिक है, कितनी चाइल्डिस्टिक है। आप सोचो, इनमें कोई सेंस ही नहीं है। ये अपने आप में पता चल जाता है कि इट इज रबिश। और ऐसी धारणाओं के कारण ही लोग एथिस्ट बन रहे हैं। यकीन मानो, ऐसी धारणा के भगवान कोई ऊपर बैठा व्यक्ति है, वो अल्लाह जो देखो वहां पे बैठा है, ये यहोवा वहां बैठा है, इन सब बिलीफ, इन सब लॉजिकल कहानियों, अरे सॉरी लॉजिकल कहा, इन सब चाइल्डिस्टिक और इलॉजिकल कहानियों को पढ़ पढ़ के देख देख के ही जो बुद्धिजीवी है वो आज एथिस्ट बन रहे हैं। बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। अगर वेदांत ना होता तो मैं भी ये चाइल्डिश बिलीफ को लात मार के एथिस्ट बन गया होता, क्योंकि ये अपने आप में इलॉजिकल है। ऐसी ऐसी मान्यताओं को कोई मान कैसे सकता है? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मतलब इंसान होके भी वो ऐसी चाइल्डिस्टिक मान्यताओं को मान रहा है, तो भाई उसके समान मूर्ख कोई है ही नहीं। उससे अच्छा तो वो जानवर रहता, तो कम से कम हम कह सकते हैं देखो जानवर है, जानवर भी इतने मूर्ख नहीं होते। लेकिन यार, इंसान होके कोई ऐसा माने कि भगवान कोई ऊपर बैठा व्यक्ति है, परम तत्व कोई ऊपर बैठा व्यक्ति है, तो इससे इसके समान चाइल्डिस्टिक मान्यता और कोई हो ही नहीं सकती। तो इसलिए आप देखो, जितने भी पहले के लोग थे वो मैच्योर थे, वो प्रकृति को ही परम तत्व मानते थे। और दूसरी बात कि वो इस चीज को जानते थे कि प्रकृति ही वो शक्ति है जिससे हम अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंच सकते थे। कुछ लोग जो कहते हैं ना कि भाई उस टाइम पे अगर इतने इंटेलिजेंट लोग थे तो उन्होंने ये सब बिल्डिंग्स क्यों नहीं बनाई, उन्होंने ये सब इंडस्ट्रीज क्यों नहीं बनाई, उन्होंने ये सब ऐसी चीजें, ये सब एसी, कूलर, पंखा, हीटर, ये सब क्यों नहीं बनाया। ये एकदम चाइल्डिस्टिक तर्क है। अब मैं बताता हूं क्यों नहीं बनाया। वो नेचर के इतने करीब रहते थे कि नेचर के साथ वो अपने आप को सेटल कर लेते थे, वो इतने मजबूत थे। आज के लोग, इनमें कोई मजबूती ही नहीं है। ये कितने ज्यादा अधीन हो गए हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के, मॉडर्नाइजेशन के, एसी के, पंखे के, हीटर के, कितने अधीन हो गए। तो अब मुझे ये बताओ कि ये आज के जो लोग हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ है या वो लोग ज्यादा श्रेष्ठ थे जो प्रकृति के साथ खुद को ढाल लेते थे, इसलिए उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। आंधी आए तो भी फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा ठंड हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा गर्मी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है, उन्होंने अपने आपको, अपने बॉडी को इस तरह से मेंटेन किया है, इस तरह से हैबिचुअल कर दिया है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप ये सोचो कि उस टाइम के लोग जो प्रकृति के अधीन नहीं थे वो ज्यादा श्रेष्ठ थे, या आज के लोग जो प्रकृति छोड़ो, जो ये मशीनों के अधीन हो गए, मशीनों के गुलाम हो गए, वो लोग ज्यादा श्रेष्ठ थे ना? ऑफकोर्स पुराने लोग ज्यादा श्रेष्ठ थे। अब ये बात सुनो कि उन्हें ये सब, ये बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े ये जो बिल्डिंग्स, उनकी जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि वो नेचर के इतने करीब रहते थे, इतने करीब रहते थे कि वो नेचर से परे चले जाते थे। ये बात सच है, जब हम प्रकृति के साथ रहते हैं, प्रकृति से युक्त रहते हैं, तो हम प्रकृति से परे चले जाते हैं। हमें पता चलता है कि हमारे अंदर ही वो सुपर नेचुरल एबिलिटीज है, वो सुपर नेचुरल पावर्स है जिससे हम प्रकृति को कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज वी आर द आत्मन और हम प्रकृति से परे हैं, इसलिए हम प्रकृति को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रकृति के करीब रहने के कारण उनके जो चक्र होते थे वो जागृत रहते थे, उनका अंतःकरण शुद्ध रहता था, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती थी क्योंकि प्रकृति के करीब रहते थे। तो ये सब कारणों के कारण ही उन्हें ये सब चीजों की कोई जरूरत नहीं थी। और ये सब चीजों की जरूरत तो हमें है, हमें क्यों है? क्योंकि हम प्रकृति से इतने दूर आ गए, हम मशीन और ये सब के इतने अधीन हो गए। लेकिन उस टाइम पे वो जानते थे कि हमारे वास्तविक स्वरूप तक हमें ये प्रकृति पहुंचा सकती है, क्योंकि प्रकृति और कुछ नहीं है, हमारे वास्तविक स्वरूप का ही वैभव है, ग्लोरी है, हमारे वास्तविक स्वरूप की ही शक्ति है। ये प्रकृति और कुछ नहीं है, ये हमने ही, हमारे वास्तविक स्वरूप ने ही संकल्प किया था, तो प्रकृति जो कि उसकी शक्ति है, उसने हमारे ही वास्तविक स्वरूप को इन सभी रूपों में अपीयर करवाया। क्यों? ताकि हम स्वयं ही स्वयं का आनंद ले सके, हम अव्यक्त होके भी व्यक्त के रूप में प्रतीत होकर स्वयं ही स्वयं के स्वरूप वैभव का आनंद ले सके। उसके लिए ही हमारी शक्ति जो कि प्रकृति है उसने ये सब क्रिएट किया है। सिंपल।
तब के लोग ये बात बिल्कुल अच्छे से जानते थे, इसीलिए वो प्रकृति के करीब रहते थे, क्योंकि वो जानते थे ये प्रकृति ही हमारे वास्तविक स्वरूप का दरवाजा है। प्रकृति ही जो कि शक्ति है वो हमें शक्तिमान तक पहुंचाएगी, शक्ति ही शक्तिमान तक पहुंचा सकती है, क्योंकि शक्तिमान ही शक्ति के सहारे जीव बना है अपने स्वरूप वैभव का आनंद लेने। तो अब फिर से उस शक्तिमान को अपने वास्तविक स्वरूप को रियलाइज करना है तो फिर से उस शक्ति के थ्रू ही करेगा। तो ये बात बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए पहले के लोग जो थे वो नेचर वर्शिपर्स थे, इसलिए पूरी जो सभ्यताएं थी पहले के टाइम पे वो पैगन सभ्यताएं थी, वो नेचर की वर्शिपिंग करती थी, और इसीलिए नेचर के करीब रहने के कारण, नेचर से जुड़ जाने के कारण उनमें सुपर नेचुरल एबिलिटीज थी कि वो नेचर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते थे। और ये एबिलिटीज हमारे में है, बस हम उसे जानते नहीं है, फिलहाल हमने उसको जागृत नहीं किया है। बाकी ये जितनी भी सिद्धियां है, जितनी भी सिद्धियां हो सकती है वो सब हमारे में है, लेकिन उसके लिए हमें प्रकृति के साथ स्वयं का संबंध जोड़ना पड़ेगा, तभी हमें खुद की पावर जो है वो रिवील होगी, हम जान पाएंगे कि हम क्या है और क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले के टाइम पे इसलिए लोगों में ये सब सुपर नेचुरल एबिलिटीज होती थी, सुपर नेचुरल पावर्स होते थे, क्योंकि वो नेचर के साथ खुद को जोड़ लेते थे, वो नेचर के साथ स्वयं के संबंध को जान लेते थे, ये है उसका कारण। तो अब सोचो जिसके पास ये सब सिद्धियां हो, उसे ये एसी की, ये कूलर की, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की, ये सब इन सब चीजों की जरूरत हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। जब उनका शरीर ही ये सब सहन करने में कैपेबल हो जाता है, जब उनके पास वन पॉइंटेडनेस ऑफ माइंड डेवलप हो जाती है, उनकी संकल्प शक्ति जागृत हो जाती है, संकल्प शक्ति एक सिद्धि है, संकल्प शक्ति एक सिद्धि है जो तब जागृत होती है जब पूरी तरह से फाइव एलिमेंट्स पे कंट्रोल आ जाए, जब हमारा माइंड जो है वो पूरी तरह से वन पॉइंटेड हो जाए, तब एक शक्ति हमारे अंदर रिवील होती है जिसे कहते हैं संकल्प शक्ति। उसमें जो हम सोचते हैं, संकल्प करते हैं, वो तुरंत मैनिफेस्ट हो जाता है, तुरंत एक ही सेकंड में। तो ऐसी ऐसी बड़ी सिद्धियां उस टाइम के लोगों के पास थी, तो आपको लगता है उन्हें ये सब चीजों की जरूरत होती थी या हो सकती है या हो सकती थी? इसलिए वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। आपको क्या लगता है ये सब बिल्डिंग्स बनाना, बड़े बड़े टावर्स बनाना, ये उनकी सिर्फ एक संकल्प शक्ति ही कर देती, इतनी क्षमता थी उस टाइम के लोगों। लेकिन वो जानते थे कि ये सब पावर्स या ये सब क्षमताएं तब तक ही रहेगी जब तक हम नेचर से जुड़े रहेंगे, प्रकृति से जुड़े रहेंगे। हम प्रकृति की इज्जत करेंगे तो प्रकृति हमारी इज्जत करेगी, हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। वो जानते थे इस बात को, इसलिए वो प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाते थे। आप लोग जो आज के समय को मानते हो कि ये तो भाई ये डेवलपमेंट है, सीरियसली ये कोई डेवलपमेंट नहीं है। प्रकृति को तबाह करना, ये तुम्हें डेवलपमेंट दिखता है? और प्रकृति को तबाह करने के कारण ही आज हम देखो इतने अधीन हो गए। मशीन जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है, वो नॉन लिविंग थिंग्स भी हमें अपने अधीन किए हुए हैं, हम इतने निम्न हो गए। क्यों? क्योंकि हमने हमारी शक्ति की रिस्पेक्ट नहीं की, हमने प्रकृति की रिस्पेक्ट नहीं की, हमने उसे बर्बाद किया। और इसे आप लोग डेवलपमेंट मानते हो, इसे आप लोग मानते हो कि ये सब विकसित हुआ है, ये डेवलपमेंट नहीं है, ये खुद के ही पैरों पे हमने कुल्हाड़ी मारी है, खुद की ही शक्ति को हमने तबाह किया है। आज वो सब सिद्धियां हमारे पास भी हो सकती थी जो पहले के टाइम पे होती थी, लेकिन क्योंकि प्रकृति के हम इतने दूर आ गए हैं, इसलिए आज वो सब शक्तियां हमारे अंदर मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है, ये दुख की बात है। खैर, तो उस टाइम पे जितने भी लोग होते थे वो सब के सब नेचर वर्शिपर्स होते थे, नेचर की ही वर्शिपिंग करते थे, इसलिए वो नेचर को कंट्रोल कर सकते थे, वो नेचर के साथ बातें कर सकते थे, वो एनिमल्स के साथ बातें कर सकते थे, वो प्रकृति के हर एक चीज के साथ बातें कर सकते थे, क्योंकि वो अपने आप को प्रकृति से कनेक्टेड रखते थे, वो प्रकृति को समझते थे, प्रकृति के एलिमेंट्स को समझते थे, इसलिए उनको कंट्रोल भी कर सकते थे, प्रकृति के एलिमेंट्स को अपने माइंड से। फिर एक समय आया तो उस टाइम पे इसलिए लोग मैजिक कर सकते थे। यहाँ पे मैजिक यानी MAGIC वाला मैजिक, वो हाथ की सफाई नहीं, यहाँ पे मैजिक यानी रियल सुपरनैचुरल एबिलिटीज से की हुई चीजें, एनर्जीज को कंट्रोल करना, एनर्जीज को मैनिपुलेट करना, एनर्जीज को अपने हिसाब से काम करवाना, ये सब कहलाता है मैजिक, जिसे लोग तंत्र भी समझते हैं। हालांकि लोग तंत्र को रियलिटी में जानते नहीं, वो ब्लैक मैजिक को तंत्र समझते हैं, जबकि ब्लैक मैजिक बस एक छोटा सा भाग है तंत्र का। रियलिटी में तंत्र का अर्थ यह है कि नेचर को समझना, एनर्जीज को समझना और उससे अपने हिसाब से काम करवाना हम नहीं कह सकते, उनके साथ कनेक्शन को स्थापित करना, ऐसा हम कह सकते हैं, और उस हिसाब से उन्हें कंट्रोल करना। कंट्रोल शब्द से लोग चिढ़ते हैं, उन्हें लगता है ये कोई बुरी चीज़ है,
लेकिन ये कंट्रोल करना वैसा नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हो कि उसकी इच्छा के बिना हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। गिव एंड टेक रिलेशनशिप होती है मैजिक में, गिव एंड टेक रिलेशनशिप। हम नेचर के लिए कुछ करते हैं ताकि नेचर हमारे लिए कुछ करे, इसलिए हर एक मैजिक के बाद वो कुछ ना कुछ नेचर को अर्पित करते थे। तो इसलिए ये कंट्रोल करना नहीं है एक तरह से, ये संबंध है जो उस टाइम पे लोगों का होता था नेचर के साथ, नेचर के स्पिरिट्स के साथ। इसलिए नेचर के स्पिरिट्स भी उनकी बातें मानते थे क्योंकि वो इतने अच्छे थे कि कभी वो नेचर को हार्म नहीं करते थे उस टाइम के लोग। और इसीलिए उस टाइम के लोगों के लिए मेरे मतलब उनके प्रति मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, मैं उन्हें बहुत मानता हूँ। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो उस टाइम पे होता था वही आज भी हो, ऐसे ही बिलीफ आज भी आ जाए लोगों में, लोग नेचर को ही परम तत्व का वास्तविक स्वरूप समझें। क्योंकि आप अब्राहमिक रिलीजन्स को देखो, वो नेचर को समाप्त करते हैं ताकि ऊपर को किसी जगह उन्हें जगह मिल जाए। ये कितनी बुरी मान्यता है, कितनी कितना इसने हार्म किया है हमारे प्लेनेट को, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये लोग इतने हार्मफुल है, इतने हार्मफुल है जिसकी कोई कल्पना नहीं है। इन दुष्टों ने ही ये सब चीजें क्रिएट की है जिससे हम प्रकृति से इतने दूर आ गए हैं। देखो मैं कितना बह गया ये सब बोलने में, इतना फ्लो में चला गया कि मैं जो मेन टॉपिक है उस पर आया ही नहीं अभी तक। तो जो मेन टॉपिक है वो यहां से शुरू होता है। देखिए सबसे पहले जो अब्राहमिक रिलीजन इन्वेंट हुआ वो था जुडाइज्म, जिसे हम कहते हैं ज्यूइश रिलीजन, ज्यू रिलीजन, जिनके लोगों को ज्यू कहा जाता है, ज्यूइश कहा जाता है, यहूदी कहते हैं। अब उस टाइम पे बहुत सारे लोग नेचर वर्शिपर्स थे, कुछ कुछ लोगों को लालच जगी, कुछ कुछ लोगों को लालच जगी उस टाइम पर कि हमारा खुद का एक ग्रुप हो जहां पे हमारा रोल चले, जहां पे हमारा रोल चले, जहां पे हमारी मान्यताओं वाले जो लोग हैं वो ज्यादा हो, ताकि हम उस स्पेसिफिक रिलीजन, अरे सॉरी उस स्पेसिफिक रीजन को कंट्रोल कर सके और वहां के जो लोग हैं उन पर हमारा आधिपत्य हो, हम जैसा कोई बोले वैसा ही वो करे, हम जैसे रूल्स बनाए वैसा ही वो लोग माने। कुछ कुछ ऐसे लोगों में एक कूनीति, एक कूटनीति जो है वो डेवलप हो गई, लालच जाग गई, हो गए होंगे थोड़े नेचर से दूर हो गए होंगे इसलिए लालच जाग गई। जो व्यक्ति नेचर से दूर हो जाता है उसमें ये जो विकार है वो बहुत ज्यादा आ जाता है, क्योंकि नेचर से दूर हो गया, अपनी शक्ति से दूर हो गया। और शक्ति और शक्तिमान जब साथ में रहते हैं ना, रियल ब्यूटी उसी में है। लेकिन जब अपनी शक्ति से ही यानी नेचर से ही हम दूर चले जाते हैं तो व्यक्ति जो है वो बुरे मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। और ऐसा ही हुआ, कुछ लोग होंगे जो नेचर से दूर हो गए, उनमें ये लालच जागी, कंट्रोल करने की भावना जागी, एक पॉलिटिकल भावना जागी कि पॉलिटिकल पावर चाहिए इस रीजन में। अब सोचा कि भाई पॉलिटिकल पावर कैसे आएगी, उन्होंने देखा कि लोग जो है अगर लोगों को लालच दी जाए और डर दिखाया जाए तो लोगों पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं लालच और डर दिखाकर, बस शर्त इतनी है कि वो हमारी बातों पे बिलीव कर ले, इतनी सी शर्त है। एक बार बिलीव कर लेगा तो भाई फिर तो जो भी लालच दिखा, जो भी डर दिखा, बस मान लेगा आंखें बंद करके। तो उन्होंने सोचा यार ऐसा हम क्या करें कि ये लोग बिलीव कर ले हम पे, हमारी लालच पे बिलीव कर ले, हमारे डर पे बिलीव कर ले, ऐसा हम क्या करें। तो उन्होंने कुछ फेक स्टोरीज बनानी शुरू की, अपने गॉड का नाम या यहोवा रखा या वही रखा, जो भी उसकी फेक कहानी शुरू कर दी कि भाई देखो इस व्यक्ति ने तो देखो यहोवा को देखा, यहोवा ने बोला कि मैं ही वो हूं जिसने तुम लोगों को बनाया है, मेरी बात मानो, आई एम अ जेलस गॉड, हाँ मेरी बात मानो, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो नरक में सड़ोगे, मेरी बात मानोगे अरे तो मेरी मस्त मस्त जगह मिलेगी, मस्त मस्त वहां पे सब स्त्रियां होगी, हाँ मदिरा और ये सब, बात जो चाहे वो हो जाएगा, यहोवा ऐसा बोलता है। ऐसा इन लोगों ने शुरू किया कहानियों में लिखना। फिर धीरे धीरे फेक स्टोरीज बनती गई, ये चमत्कार हुआ, वो चमत्कार हुआ, यहोवा ने ये दर्शन दिए, यहोवा ने वो दर्शन दिए, ये देखो ये हुआ वो हुआ, लोग कुछ कुछ लोग मानने लगे अरे हाँ ये सच हो सकता है। कितने लोग जो थोड़े लॉजिकल थे कि भाई ना 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 ऐसा ऐसा हो ही कैसे सकता है भाई, अभी तक तो हम नेचर को मानते थे, ये नेचर ही परम तत्व का स्वरूप है, ये कौन यहोवा नाम का कोई आ गया, कोई जो ऊपर बैठा है नपुंसकों की तरह, ये कौन है भाई, ये कौन है। कुछ लॉजिकल लोगों ने ऐसा सोचा, पर कितनी बार पता है आपको जो व्यक्ति इंटेलिजेंट भी होता है ना, लॉजिकल भी होता है ना, वो कभी कभी मान लेता है, किसके कारण, डर के कारण। इसलिए उनमें डर को भी ऐड करना जरूरी था, तो उन्होंने अपनी स्टोरीज में डर भी दिखाया कि ये तो कोई हेल होता है, ऐसा हेल ऐसा होता है, हेल में ये होता है वो होता है, तुम यहोवा की नहीं मानोगे तो ये हेल में सड़ोगे, वहां हेल में सड़ोगे, और हेल में ऐसी ऐसी बुरी बुरी चीजें होती है, ऐसा सब उन लोगों ने क्रिएट किया कहानियां बनाना।
और यकीन मानो बड़े से बड़ा स्कॉलर अगर वो ज्यादा मैच्योर ना हो, वो भले इंटेलिजेंट है लेकिन मैच्योर नहीं हो, मतलब स्पिरिचुअल मैच्योरिटी ना आई, तो वो ऐसे डर को देख के डर जाएगा, वो बिल्कुल डाउट करेगा कि नहीं ये सच नहीं हो सकता, फिर भी वो ऐसा भी सोचेगा कि क्या पता ये सच हो, क्या पता ऐसा सच में हुआ हो, तो चलो क्यों ना मान ले हम, क्योंकि लॉजिक के अनुसार तो मुझे ये सच नहीं लग रहा, लेकिन क्या पता अगर ये बात सच हो, अगर सच में हमें हेल में ऐसा सब हुआ, तो वो इसलिए भी मान लेते हैं कि क्या पता ये सच हो। और क्या फर्क पड़ता है, मैं जुडाइज्म स्वीकार कर लूंगा, उसमें क्या इतना फर्क पड़ेगा, इतना बस स्वीकार ही तो करना है। लेकिन अगर मैंने स्वीकार नहीं किया और मान लो ये नरक की बात सच्ची निकली, तो मेरा क्या होगा। तो कितने लॉजिकल लोग डर के मारे भी बंद जाते थे, और ऐसा होने लगा। जुडाइज्म बहुत चला पहले पहले, सब फेक कहानियां और ये सब चमत्कार और ये सब, ऐसा नहीं कि चमत्कार होते नहीं, होते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कहानियां वो लोग झूठी लिखने लगे कि यहोवा ने ये किया, यहोवा ने वो किया, और कुछ कुछ उस टाइम पे लोग कन्वर्ट होने लगे। क्योंकि मैंने क्या बताया कि डर और लालच ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम किसी भी व्यक्ति को अपने में शामिल कर सकते हैं। इसलिए जितने भी ये चाइल्डिश रिलीजन्स होते हैं, चाइल्डिश बिलीवर्स होते हैं, वो डर और लालच इसी के दम पर अपने रिलीजन का ग्रोथ करते हैं। चाहे वो इस्कॉन ले लो, चाहे वो मध्वाचार्य ले लो, चाहे वो इस्लाम ले लो, क्रिश्चियनिटी ले लो, जुडाइज्म ले लो, और भी जो कुछ रामपाल वालों को ले लो, कि भाई डर और लालच ये दो ऐसी चीज़ है ना जो इंसान की कमजोरी है, ऐसे इंसान की कमजोरी है जो स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं है, जिसकी बुद्धि इतनी मैच्योर नहीं है कि वो ये बात मान सके कि ये कितने चाइल्डिश लोग हैं और कितनी चाइल्डिस्टिक बिलीफ है। जिनकी बुद्धि इतनी मैच्योर ना हो, वो ऐसी बातों पे भरोसा कर लेते हैं, और कर लेते थे उस टाइम पे भी। तो इसलिए ये लोग फैले, पहले पहले तो इतना नहीं था, धीरे 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 डर और लालच, और उस टाइम पे कुछ ऐसी फेक स्टोरीज भी बना लेते थे। एक्चुअली होता क्या था कि उस टाइम पे मान लो कोई यहोवा को बिलीव नहीं करता था, और उस टाइम पे जो पादरी होता था, प्रिस्ट होता था, वो कहता था चल बिलीव कर, वरना मैं ये बोल दूंगा यहोवा को, तो यहोवा पूरा ये कर देगा तुम्हारे साथ। वो बोल तो सामने वाला बोलता था अरे जा जा ऐसा कुछ नहीं होगा, चल निकल, मैं नहीं मानूंगा तेरे यहोवा को। तो पादरी या प्रिस्ट जो होते थे वो उस टाइम पे ब्लैक मैजिक का सहारा लेते थे, या तो उन्हें ब्लैक मैजिक आता था, या तो जिन्हें आता था ब्लैक मैजिक उनका सहारा लेते थे, और उनको बोलते थे कि इस आदमी के साथ ऐसा कुछ करो कि मतलब कुछ भी ऐसा कि इसका ये कर दो, उसका वो कर दो, इसका ये बुरा कर दो। तो उस टाइम पे ब्लैक मैजिक के सहारे वो ऐसा करते थे। अब उस व्यक्ति को क्या लगता था कि मेरे साथ ये बुरा हुआ क्यों, क्योंकि मैंने यहोवा को नहीं माना, मैंने पादरी की बात नहीं मानी, इसलिए मेरे साथ ये बुरा हुआ। क्योंकि वो व्यक्ति नहीं जानता कि एक्चुअली में यहोवा जैसी कोई चीज़ नहीं है, वो तो उस पादरी को या तो ब्लैक मैजिक आता था, या तो उसमें सुपरनेचुरल एबिलिटीज थी, या तो उसने कोई सॉसरर की मदद से ये करवाया है। अब उसको वो चीज़ नहीं पता थी, मतलब कुछ कुछ लोगों को ऐसी चीज़ें नहीं पता होती थी, तो इसलिए वो कन्वर्ट हो जाते थे कि हाँ यहोवा ने ऐसा किया, देखो बुरा कर दिया, अब तो मैं हमेशा के लिए जुडाइज्म को स्वीकार कर लूंगा। और अगर किसी का भला करवाना होता था पादरी को, कि देखो अगर मैंने, पादरी बोलता था देखो अगर तुम्हारा ये फुलफिल हो गया तो तुम्हें यहोवा को स्वीकार करना पड़ेगा, मैं यहोवा को प्रार्थना करूंगा और तुरंत तुम्हारी ये जो चीज़ है वो हो जाएगी। तो वो बोलता था अरे जा जा तेरा यहोवा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो पादरी या तो पादरी को मैजिक आता हो, या तो सॉर्सरर की मदद से वो मैजिक करवाता था, मैजिक यानी यहाँ पे तंत्र करवाता था, और सच में उस व्यक्ति का भला हो जाता था, और वो व्यक्ति समझता था यहोवा ने भला किया, यहोवा ने भला किया, और इसलिए वो जुडाइज्म में आ जाता था। तो बस आइडिया दे रहा हूँ कि उस टाइम पे कितने जो ऐसे लोग होते थे जो नहीं भी मानते थे, लेकिन उनको मैजिक के सहारे, सॉर्सरर्स की मदद से उन्हें कन्वर्ट किया गया, करवाया गया। और ऐसे ही इस्लाम में भी बहुत हुआ है, ऐसा ही ये क्या है, ये क्रिश्चियनिटी में भी हुआ है। एक्चुअली में बात ये है ना कि रियलिटी में उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे फेक गॉड के कैरेक्टर्स बना देते थे। अब उन पे भरोसा करवाने के लिए वो लोग मैजिशियंस का सहारा लेते थे कि मुझे इस व्यक्ति को भरोसा करवाना है अपने रिलीजन में, तो तू इस व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ मैजिक करके उसे मेरे यहोवा पे भरोसा हो जाए, या मेरे क्राइस्ट पे भरोसा हो जाए, या मेरे अल्लाह पे भरोसा हो जाए। तो बस ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक ये सब करवा देते। ये भी एक नीचे, ये बहुत सारे लोग ये सब मानते नहीं है ब्लैक मैजिक व्हाइट मैजिक, बट दे आर फूल्स। उन पर दया आती है, जो तंत्र को नहीं मानते उनके ऊपर मुझे बहुत पीटी फीलिंग होता है, बहुत दया आती है, क्योंकि ये इतने बड़े लेवल पे ये बात, ये चीज़ें होती थी, आज भी होती है, इतने बड़े हाई लेवल पे होती है ये सुपर नेचुरल चीज़ें जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन उन पर दया आती है जो ऐसी बातों को नहीं मानते। उनके लिए जाने दो, वो तो नास्तिक है, जो ऐसी बातें नहीं मानते वो नास्तिक है, उन्हें आस्तिक नहीं मानना चाहिए। जो लोग सुपर नेचुरल एबिलिटीज, सुपर नेचुरल पावर्स, सुपर नेचुरल शक्तियों पर भरोसा नहीं करते, वो रियालिटी में नास्तिक है। इसलिए ऐसे लोगों पर दया आती है। खैर जाने दो उनकी बातें। तो इस तरह से उनका जो जुडाइज्म है वो फैला। वैसे ही फिर उन लोगों ने क्रिश्चियनिटी को भी स्थापित किया, क्योंकि जुडाइज्म जो था वो थोड़ा पुराना हो गया था,
तो अब न्यू जो रीजन था वहां पे अब थोड़ी नई स्टोरी क्रिएट करके थोड़ा और लोगों को थोड़ा जोड़ना था अपने में। तो ये सब उस टाइम पे पॉलिटिकल पावर्स के लिए होता था, क्योंकि ऐसा होता था उस टाइम पे कि जिस रिलीजन के लोग सबसे ज्यादा हो उस स्पेसिफिक रीजन में, तो उन रिलीजन के लोगों की बातें उस रीजन पे चलती थी, उनका रूल चलता था। तो पॉलिटिकल पावर को पाने के लिए ही एक्चुअली में अब्राहमिक बिलीफ जो है, अब्राहमिक स्क्रिप्चर्स जो है वो लिखे गए थे। आज के लोग नहीं मानेंगे ये बात, मत मानो, लेकिन अब्राहमिक स्क्रिप्चर्स पढ़ के ही पता चल जाता है कि हाँ, ये उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अपने रिलीजन में कन्वर्ट करने के लिए ऐसी बातें लिखी गई है, डर और लालच दिखाया गया है अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। इस्कॉन भी वही कर रहा है, वो भी तो अपने पॉपुलेशन के लिए ये सब कर रहा है। तो जितने भी अब्राहमिक रिलीजन्स है, क्रिश्चियनिटी, ये इस्लाम, जुडाइज्म, आप उनके स्क्रिप्चर में ये कॉमन चीजें पाओगे कि वो जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ लिखा होता है, उनका बेस मकसद यही है कि वो किसी भी तरह सामने वाले को अपने रिलीजन में कन्वर्ट कर ले, उसे मुस्लिम बना दे या क्रिश्चियन बना दे या ज्यू बना दे। वैसे आपको एक चीज पता नहीं है, मैं बता दूं, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये दोनों जुडाइज्म के ही स्वरूप है। जूश लोगों ने ही जब देखा कि अब देखो यहाँ की जो थोड़ी मतलब जो हमने कहानियां क्रिएट की थी, स्क्रिप्चर क्रिएट किए थे, उससे इफेक्ट बहुत हो गया, लेकिन अबे अभी हमें थोड़ा और इफेक्टफुल होना पड़ेगा, तो जूश लोगों ने ही क्रिश्चियनिटी खोल दी। ये देखो क्रिश्चियनिटी ये है वो है, भगवान की बात है थोड़ी लुप्त हो गई है, तो ये देखो जीसस आया हमारा, वन एंड ओनली द बिगॉटन सन ऑफ गॉड, वो फिर से भगवान की बातों को लेके आया है, रियलिटी को लेके आया है, चलो आ जाओ हमारे धर्म में आ जाओ, देखो जीसस ने ये चमत्कार किया है, तुम्हारे लिए जान दिया है, चलो आ जाओ, इस तरह से कन्वर्ट करते थे। तो एक्चुअली में लोग समझते हैं क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम ये दोनों इंडिपेंडेंट है। क्रिश्चियन और मुस्लिम भी ये समझते हैं कि उनका रिलीजन इंडिपेंडेंट है, बट दे आर फूल्स, उन्हें नहीं पता कि उन दोनों के ही रिलीजन जो है वो ज्यूइश लोगों के अधीन है, जुडेइज्म के अधीन है। जुडेइज्म की इच्छा से ही उन दोनों के रिलीजन जो है वो क्रिएट हुए। ये क्रिश्चियन और मुस्लिम स्वयं नहीं जानते कि वो उनका खुद का अस्तित्व जुडाइज्म पे टिका हुआ है, बिकॉज जूश लोगों ने चाहा कि चलो अब क्रिश्चियनिटी भी आनी चाहिए, थोड़ा और हमारा पॉलिटिकल पावर बढ़े, इस्लाम भी आना चाहिए, अपना पॉलिटिकल पावर बढ़े, पॉपुलेशन बढ़े, तो उसके लिए जूश लोगों ने ही क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की भी कहानियां और ये सब बातें क्रिएट की। बदकिस्मती से इनको ही नहीं पता है कि जूश लोग इनको रूल कर रहे हैं, इनका अस्तित्व जुडाइज्म के कारण है, जूश लोगों के कारण है। ये अंदर की बात है थोड़ी, लेकिन ये बात सच है, जूश लोग मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन को रूल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं इस बात को, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ जूस, यहूदियों के कंट्रोल में है वो लोग, और यहूदियों ने बहुत इंपैक्ट डाला है हर एक रिलीजन पर, हर एक सेक्ट पर, हर एक मान्यताओं पर। बहुत चालाक थे वो लोग, आज भी है, बहुत चालाक है, इतने चालाक है ना कि कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि ये जूस रिलीजन के अधीन है, इतने चालाक है ये लोग, बहुत चालाक है। एक बुक है बैंकों की मायाजाल, वो पढ़ना, कि कैसे जितने भी बैंक्स है पूरी दुनिया में वो जूस रॉट चाइल्ड्स के अधीन है, उनके कंट्रोल में है, और उन्होंने जो मेन रूल बनाया है उनके उनके अकॉर्डिंग ही कार्य कर रहे हैं। खैर, तो बस मुझे ये बताना है कि ये सब जो अब्राहमिक रिलीजन्स आए उनका बेस यही था, डर और लालच, और उनका मेन गोल ये था कि किसी भी तरह अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना। क्यों बढ़ाना? पॉलिटिकल पावर के लिए, कि जिस रीजन में, जिस कंट्री में, जिस स्टेट में, जिस सिटी में जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, उस स्पेसिफिक रीजन को, उस स्पेसिफिक कंट्री को, उस स्पेसिफिक रीजन सिटी को, उस स्पेसिफिक स्टेट को, वो स्पेसिफिक रिलीजन ही रूल करेगा, उस स्पेसिफिक रिलीजन के लोग ही रूल करेंगे। तो ये अब्राहमिक रिलीजन्स जो क्रिएट हुए वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पावर्स के लिए हुए थे, जिनको आज हम लोग हो हल्ला मान रहे हैं, ये कर दिया वो कर दिया। अरे ये खुद भी जानते हैं कि इनकी शुरुआत पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हुई है, ये खुद भी जानते हैं कि इनका जीसस एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ना यहोवा करता है, ये खुद भी जानते हैं कि अल्लाह भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये खुद भी जानते हैं कि कोई ये सब धारणाएं चाइल्डिश है, हमने खुद पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए बनाई है, ये खुद भी जानते हैं। और इसीलिए आप सोचो, ये सब स्क्रिप्चर्स पढ़ने के बाद भी ये लोग बुरे काम करते हैं। क्यों करते हैं बुरे काम? क्यों करते हैं? ये जो बाबा बुबा बनते हैं वो रेप करते हैं। क्यों करते हैं रेप? उन्होंने तो स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ के उन्होंने तो जाना है, अरे मैं रेप करूंगा तो मेरे साथ ये होगा, नरक में ये करेंगे वो करेंगे, ये इतने सारे जो पादरी है, सब इतने सारे जो मौलाना है,
ये हर तरह के गंदे कार्य क्यों करते हैं? उसका रीजन यह है कि उन्हें खुद को भी पता है कि ये सब कहानियां झूठी है. दे देमसेल्व्स नो दिस. उन्हें पता है, क्योंकि अगर वो इन कहानियों को सच्चा मानते हैं, नरक को सच में मानते हैं, हाँ एग्जिस्ट करता है, तो वो क्यों पाप करते हैं? वो करते ही नहीं पाप. लेकिन आज सबसे ज्यादा पाप अगर इल्जाम लगते हैं गंदे कृत्यों के, तो ये उन्हीं लोगों पे लगते हैं जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो खुद को बड़ा रिलीजियस बताते हैं, जो 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 बड़े बड़े पादरियों के, मौलानाओं के, और ये सब पोजिशन पे है. क्योंकि उनको पता है कि ये सब जो हमारी किताबें हैं वो झूठी है, इनकी बातें झूठी है, ये सब कहानियां फेक है. क्योंकि अगर वो सच मानते तो वो पाप क्यों करते? लगाओ दिमाग. लेकिन वो करते हैं. कृपालु महाराज ने इतना पढ़ लिया फिर भी वो ऐसी गंदी सब चीज़ें करता था अपने आश्रम में. क्यों करता था? क्योंकि उसे पता था ये सब झूठ लिखा है, उसे ये चीज़ पता थी. एक्चुअली में जो लोग स्क्रिप्चर्स जान लेते हैं ना सारे, उन्हें ये चीज़ भी पता चल जाती है कि स्क्रिप्चर्स झूठे हैं. मतलब स्क्रिप्चर्स यानी कहानियाँ झूठी है, नॉट फिलोसॉफी. अब फिलोसॉफी में भी डिपेंड करेगा वो फिलोसॉफी किस तरह की है, बट ये कहानियाँ झूठी है. वो जो लोग स्क्रिप्चर्स को अच्छे से पढ़ लेंगे ना वो भी समझ जाएंगे. और ये ईसाई लोग, ये बड़े बड़े जो इस्लाम में मौलाना बने हैं सब, वो जानते हैं कि ये सब झूठ लिखा है. वो जानते हैं ये सब पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए था. वो जानते हैं ये सब सिर्फ खुद की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, इसलिए वो लोग कन्वर्जन में भरोसा करते हैं कि हमारी पॉपुलेशन बढ़े. क्यों बढ़े? क्योंकि जितनी बढ़ेगी ना उतना हमें मतलब पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा, हम रूल करेंगे उस रीजन को. इसलिए उन्होंने एंटी क्राइस्ट का कॉन्सेप्ट निकाला, काफिर का कॉन्सेप्ट निकाला, कि काफिरों को मार दो, उसे कन्वर्ट कर दो. और उसमें उसमें भी डर और लालच. क्यों? क्योंकि हम कब मानेंगे इंसानों को रूल, कब हम कर पाएंगे? जब डर और लालच का सहारा लेंगे. डर और लालच के सहारे इंसान कमजोर हो जाता है. इसलिए उन्हें डराओ कि काफिरों को मारो, उन्हें कन्वर्ट करो तो तुम्हें जन्नत मिलेगी. अगर काफिर बन जाओगे तो तुम्हें नरक मिलेगा. एंटी क्राइस्ट बन जाओगे तो हेल मिलेगा. एंटी क्राइस्ट को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करोगे तो भगवान बहुत खुश हो जाएंगे, सीधा ऊपर लेके जाएंगे, मजा कराएंगे. जैसे ये इसको वाले बोलते हैं जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, उसे तो प्रभुपाद सीधा गोलोक लेने आएंगे. ये सब चीप टेक्निक्स है. और इन सब लोगों के कारण ही स्पिरिचुअलिटी बदनाम है. इन ये दे आर द रियल कल्प्रिट्स ऑफ गॉड. लोग समझते हैं कि दे आर द सेवियर ऑफ गॉड. लोग समझते हैं कि दे आर द डिवोटी ऑफ गॉड. लोग समझते हैं कि यही धर्म के रियल ठेकेदार है, भगवान के सब ठेकेदार ये है. बट दे आर द रियल कल्प्रिट्स ऑफ गॉड, जिन्होंने अपने गॉड को इतना नीच, निम्न कक्षा का बना के रखा है, इतना चाइल्डिस्टिक बना के रखा है कि कोई भी लॉजिकल आदमी थूकेगा, नास्तिक बनेगा ऐसी मान्यताओं को देखकर. तो एक्चुअली में दिस पीपल आर रियल कल्प्रिट्स ऑफ गॉड. ये गुनेगार है. जिसको आप डिवोटी मान रहे हो ना, वो आपके भगवान के सबसे बड़े गुनेगार है. जिसको आप मौलाना मान रहे हो ना, वो सबसे बड़े गुनेगार है. जिसको आप प्रिस्ट मान रहे हो, वो सबसे बड़े गुनेगार है. उनसे अच्छे तो एथिस्ट है. कम से कम वो किसी को परेशान तो नहीं करते, किसी को डर और लालच के नाम पे फंसाते तो नहीं है, किसी के किसी की श्रद्धा के साथ खेलते तो नहीं है डर और लालच के नाम पे. दिस पीपल आर रियल कल्प्रिट्स, दे शुड बी बर्न्ड. मैं ये भी बोल सकता हूँ, जिस बेरहमी के साथ इन दुष्ट अब्राहमिक रिलीजियंस ने पैगन ट्रेडिशंस के लोगों को बर्न किया था उस टाइम पे, जला दिया था. क्यों? क्योंकि वो लोग कन्वर्ट नहीं हो रहे थे. आपको नहीं, कितने लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन अगर आप हिस्ट्री को देखोगे तो आपको पता चलेगा कैसे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडेज्म के जो लोग थे, उन सभी को जला देते थे जो उनके रिलीजन में कन्वर्ट नहीं होता था, या जो दूसरे रिलीजन को फॉलो करता था. या तो जला देते थे उन्हें सबके सामने, और कितने लोग तो ये डर के मारे भी कन्वर्ट हो जाते थे कि अरे अगर हम जुडेज्म में नहीं आए, क्रिश्चियनिटी में नहीं आए, तो हमें जला दिया जाएगा. तो कितने लोग तो इस डर के मारे भी कन्वर्ट हो जाते थे. दे आर रियल कल्प्रिट्स. जिसे आप धर्म का ठेकेदार समझते हो, ये रियलिटी में गुनेगार है. लेकिन बदकिस्मती है कि लोग इतने अंधे हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा. लेकिन एक समय आएगा जब हर एक नेचर वर्शिपर्स को जो जलाया गया है, जो उनको सूली पे चढ़ाया गया है, हर एक अच्छे व्यक्ति को जो मारा गया है उस टाइम पे, उन सबका बदला हम लेंगे. और इन्हें वो चीज दिखाएंगे, इन्हें महसूस करवाएंगे कि उस टाइम पे जो असली जो रियल भगवान के जो प्यारे बच्चे थे, जो परम तत्व के जो सच में प्रिय लोग थे, ऐसे जो नेचर के वर्शिपर्स थे, उनको जितना तुमने दुख पहुंचाया है उससे ज्यादा दुख का अनुभव इन्हें कराना चाहिए. मैं कराऊंगा, मेरा वश चला तो अवश्य मैं कराऊंगा. मेरे अंदर तो पूरा जुनून है इन सबको परेशान किया, इन सबको सजा देने के लिए, कि जिस तरह इन लोगों ने अच्छे भोले भाले लोगों को जला दिया, उन्हें सूली पे चढ़ा दिया, बस इसलिए कि वो कन्वर्ट नहीं हो रहे थे, वो दूसरे रिलीजन को फॉलो कर रहे थे. इसलिए ये अब्राहमिक रिलीजियंस और अब्राहमिक बिलीफ से मुझे इतनी ज्यादा चिढ़ है, नफरत है मुझे, कि मैं मिटा देना चाहता हूं हर एक अब्राहमिक माइंडसेट को,
हमेशा के लिए। है मुझे नफरत इनसे और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, ना मैं इसको कोई तमस गुण समझता हूँ कि मुझे नफरत क्यों है। ये कोई तमस गुण नहीं है। इन लोगों ने जो हरकतें की है, इन सब चाइल्डिश बिलीवर्स ने जो हरकतें की है, उसके लिए तो इनके साथ जो हौसला करना चाहिए कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, इतना बुरा करना चाहिए। तो ये सब जो मेरा गुस्सा है, नफरत है इन अब्राहमिक माइंडसेट्स के प्रति, वो स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है और हर एक व्यक्ति को आना चाहिए, हर एक रियल सीकर को आना चाहिए, हर एक रियल स्पिरिचुअल व्यक्ति को आना चाहिए, आना ही चाहिए। लेकिन ये तब आएगा जब तुम जानोगे कि इन लोगों ने क्या किया है। जिन्हें तुम भगवान का ठेकेदार, प्योर डिवोटी और पता नहीं क्या क्या मानते हो, वो रियलिटी में तुम्हारे भगवान के सबसे बड़े गुनहगार है। जब तुम्हें ये चीज पता चलेगी तब तुम्हें इनसे नफरत होगी। तो ये सब जो मान्यताएं हैं वो फैलती गई, बहुत सारे लोग कन्वर्ट होते गए, वो बेचारे पैगन ट्रेडिशन के लोग हमेशा लव एंड पीस करते रह गए। उन्होंने सोचा नहीं था कि एक समय आएगा कि इनका ये लव एंड पीस इन पर भारी पड़ जाएगा, क्योंकि अधर्म के खिलाफ लव एंड पीस नहीं चलता बेटा, अधर्म के खिलाफ लड़ाई चलती है। पैगन ट्रेडिशंस की ये गलती थी। नेचर वर्शिपर्स, क्योंकि इतने उनका हृदय इतना शुद्ध था, इतने प्योर थे वो, इतने सात्विक थे वो, नेचर के इतने करीब थे वो, कि उन्होंने जाने दिया, उन्होंने लेट गो किया कि अरे करने दो जो होता है, हम तो नेचर के साथ है ना, हम रहेंगे अपने नेचर के साथ, लव एंड पीस। ये उनकी गलती थी, क्योंकि अगर उन्होंने उस टाइम पे अधर्म का विनाश किया होता तो अधर्म इतना बढ़ता ही नहीं। अधर्म का विनाश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब अगर हम अधर्म के सामने लव एंड पीस करते रहेंगे तो वो अधर्म एक दिन इतना बढ़ जाएगा कि तुम्हारा सब लव एंड पीस निकाल देगा, लव एंड पीस बोलने के लिए भी जुबान नहीं बचेगी। और ऐसा ही हुआ पैगन ट्रेडिशंस के लोगों के साथ, ऐसा ही हुआ नेचर वर्शिपर्स के साथ, ऐसा ही हुआ अच्छे लोगों के साथ, ऐसा ही हुआ इन दुष्ट पापी अधर्मी चोर लंपट लोगों ने अच्छे लोगों को मार दिया, जो सच में परम तत्व को जानते थे और परम तत्व के जो प्रिय थे उनको मार दिया। पैगन ट्रेडिशंस के लोगों की गलती थी कि उन्होंने अधर्म के खिलाफ हिंसा नहीं की। और क्योंकि सनातन धर्म में यह गलती नहीं हुई, सनातन धर्म में हमेशा से सिखाया गया है कि अहिंसा परमो धर्म, पर सनातन धर्म में हमेशा सिखाया गया कि अहिंसा परम धर्म है, नो डाउट, लेकिन अधर्म के लिए हिंसा करना जायज। क्योंकि सनातन धर्म में परशुराम जी जैसे लोग आए, हनुमान जी जैसे लोग आए, दुर्वासा जी जैसे लोग आए, इतने सारे अवतार परम पुरुष के अवतार आए, इतने सारे लोग आए जिन्होंने अधर्म के खिलाफ सब मतलब हिंसा की, मारा उनको, तोड़ा उनको। तो इसीलिए यही कारण था कि सनातन धर्म अभी भी है। समझ रहे हो, दिमाग खुला कि सनातन धर्म अभी भी क्यों बचा है। इतने सारे जो नेचर वर्शिपर्स थे, उनके ट्रेडिशंस थे, वो आज लुप्त हो गए हैं, पर सनातन धर्म क्यों बचा रहा? वो इसलिए बचा रहा कि हम भले ही बहुत अच्छे हैं, हम बहुत ही अहिंसा वाले हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि धर्म की रक्षा करना भी जरूरी है, और धर्म की रक्षा अधर्म के विनाश से ही होती है। इसलिए हमारी कहानियों में देखो, सब लोग इतने अच्छे हैं, लेकिन फिर भी जब अधर्म होता है तब वही तलवार लेके, धनुष बाण लेके और पता नहीं क्या क्या लेके शुरू हो जाता है महाभारत रामायण करने। इसलिए सनातन धर्म बचा रहा। दिस इज द रियल रीजन कि इतने मतलब पूरी दुनिया के जो रियल ट्रेडिशंस थे वो लुप्त हो गए, या अब्राहमिक ट्रेडिशंस ने सबको ऐसे कन्वर्ट करके, डरा के, धमका के, लालच देके सबको कन्वर्ट कर लिया, लेकिन फिर भी सनातन धर्म बचा रहा। क्योंकि हम लव एंड पीस वाले तो है, लेकिन हम अधर्म का विनाश करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं, धर्म की रक्षा करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन फिर भी जब अब्राहमिक इन्वेडर्स यहाँ पर आए तो कुछ कुछ बिलीफ उनकी इन्फ्लुएंस की हमारे लोगों को। उनमें से सबसे बड़े ऐसे जो व्यक्ति थे जो अब्राहमिज्म से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए, वो हमारे मध्वाचार्य थे। अब देखो, उस टाइम पे जब अब्राहमिक रिलीजन्स यहाँ पे आए, मतलब ट्रेडिशंस यहाँ पे आए, लोग यहाँ पर आए, उन्होंने देखा यार देखो पूरी दुनिया में तो हमने नेचर वर्शिपर्स को समाप्त कर दिया, सबको कन्वर्ट कर दिया, डरा ढमका के, लालच देके, लेकिन यार ये लोग देखो, ये लोग तो मानते ही नहीं है यार। ये लोग अपने स्क्रिप्चर्स पे बड़ा भरोसा करते हैं, अपने अवतारों पे बड़ा भरोसा करते हैं, ये लोग अपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ऐसे पुरुषार्थ पर बहुत दृढ़ है ये लोग, तो इनको लड़वाए कैसे, कैसे लड़वाए इनको? तो वो कुछ कुछ आचार्यों को इम्प्लांट करते थे, उनको स्पेशली कहते थे कि इस तरह का सनातन धर्म का चेहरा बना दो, या इस तरह का एक सेक्ट क्रिएट कर दो। तो उनमें से कुछ कुछ ऐसे जो आचार्य है, जो बदकिस्मती से जिसे लोग मानते हैं, लेकिन उन्हें मानना नहीं चाहिए क्योंकि वो अब्राहमिज्म से इम्प्लांटेड है, उनमें से एक मध्वाचार्य है। वीर शैव के भी एक व्यक्ति थे। देखो हमारे यहाँ बहुत सारे आचार्य हुए हैं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि उन सभी आचार्यों में से चार या पांच आचार्यों को इम्प्लांट किया गया हो
सिर्फ लड़ाई करवाने के लिए, ताकि वो रूल कर सके। तो कुछ कुछ आचार्यों में एक मध्वाचार्य है जिनको स्पेशली इम्प्लांट किया गया स्क्रिप्चर्स को मिसइंटरप्रेट करने के लिए, सबसे पहली बार जिनको स्पेशली बताया गया कि किसी भी तरह तुम लड़ाई करवाओ, शैवों के बीच, शाक्तों के बीच, वैष्णवों के बीच, किसी भी तरह। फिर उनके कुछ कुछ फॉलोअर्स कुछ टाइम मतलब पुराणों में भी कुछ कुछ ऐसी सेक्टेरियन बातें लिख देते थे। ये सब होता था अब्राहमिज्म से इन्फ्लुएंस्ड होकर, अपनी बिलीफ को भी थोड़ा अब्राहमिक कर लेते थे कि जैसे यहोवा है, जैसे अल्लाह है, वैसे ही हमारे लिए विष्णु है या तो हमारे लिए शिव है बस, और हमारा बस एक ही लक्ष्य है ऊपर जाके मजे करो, बस ये मिलेगा वो मिलेगा। तो हाँ, अब्राहमिक बिलीफ से हमारे यहाँ भी कुछ कुछ सेक्ट जो है वो इन्फ्लुएंस हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका है ही नहीं, हुए हैं तो हुए हैं, एक्सेप्ट इट। अब मध्वाचार्य तो भाई थोड़ा दब गया, क्योंकि स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग स्कॉलर्स ने कहा है कि भाई इनके सारे इंटरप्रिटेशंस गलत है, मतलब सारे इन द सेंस 80% इंटरप्रिटेशंस इनके गलत है। और ये इंडोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन की बातें कर रहा हूँ मैं, उन्होंने खुद लिखा है। और ये भी कहा है कि मध्वाचार्य उस टाइम पे जो इतनी क्रिश्चियनिटी जो फैली थी इंडिया में उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड था, जिसके कारण उसने अपनी जो सेक्टेरियन किताबें हैं उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी जो सनातन धर्म की रियल बिलीफ नहीं थी, कभी भी नहीं थी। तो मध्वाचार्य को इस तरह से इम्प्लांट किया गया लड़ाई करवाने के लिए। और ये भी मैं कहूँगा उनके ऊपर झूठी कहानी बना दी, या जैसे ये क्राइस्ट को बनाया गया कि क्राइस्ट जो था आई एम द बिगॉटन सन ऑफ गॉड, भगवान का ज्ञान तो मेरे पास ही है, मैं ही भगवान का चेला हूँ, मुझसे जानो। वैसे ही मध्वाचार्य को वायु का अवतार, कि भाई सब ज्ञान वायु ने कान में बोला है, हरि ने वायु को कान में बोला, और वायु जो जीवोत्तम है वो यहाँ पे आके ज्ञान देगा तुमको। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑल स्कॉलर्स इंडोलॉजिस्ट एंड एवरीवन, मध्वाचार्य की जो फिलोसॉफी है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है सनातन धर्म के रियल बिलीफ के, एग्जैक्टली ऑपोजिट। और इसीलिए आप देखो कहीं पे भी मध्वाचार्य का इतना नाम नहीं है, इतना वो फेमस है ही नहीं, कोई जानता ही नहीं, ना कोई उसकी फिलोसॉफी के बारे में कोई जिक्र करता है यहाँ वहाँ यूट्यूब पे या यहाँ वहाँ कहीं भी। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि इसने सिर्फ मिस इंटरप्रिटेशन किया। जैसे आज रामपाल है ना, आज के टाइम पे रामपाल को कैसे देखते हैं एज एन मिस इंटरप्रेटर, उसी उस टाइम पे मध्वाचार्य को ऐसा देखा जाता था, और स्कॉलर्स की नज़र में वो वैसा ही है आज भी। लेकिन अब देखो, इसलिए वो मध्वाचार्य की फिलोसॉफी और सेक्ट दब गया है, उसको कोई इतना जानता भी नहीं। तो उस टाइम पे तो कुछ टाइम के लिए मध्वाचार्य या ऐसे एक दो तीन और आचार्य, शैविज्म में भी एक दो आचार्य थे, श्रीकंठ वगैरह, जिनको थोड़ा इम्प्लांट किया गया अब्राहमिज्म स्थापित करने के लिए, मतलब सनातन धर्म को तोड़ने के लिए। अब उसके बाद क्या कहते हैं, जैसे जैसे वक्त बीता, कुछ कुछ और इंटरपोलेशन सेक्टेरियन फाइट्स के लिए होते रहे कुछ कुछ ग्रंथों में, हालांकि ज़्यादा इंटरपोलेशन कर नहीं पाए, 10% 5% इतने इंटरपोलेशन है, ज़्यादा नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखें तो आगे जाके अब इस्कॉन आ गया है, इस्कॉन जो कि एक ज्यूइश मिशनरीज के कंट्रोल में है, क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस्ड है, इस्लाम के भी इन्फ्लुएंस्ड है। उन लोगों ने अब शास्त्रों में मिस इंटरप्रिटेशन करना शुरू किया, गलत ट्रांसलेशन करना शुरू किया, गोलोक की लालच और नरक का खौफ दिखाने का शुरू किया। तो ये एक्चुअली में ये अब्राहमिज्म ही कर रहे हैं सनातन धर्म का, और कर दिया है। हालांकि इनकी जो भोली जनता है जो इसको उनको फॉलो करते हैं वो ये बात नहीं जानती, क्योंकि उन्हें सनातन धर्म क्या है कैसा है वो पता ही नहीं है बेचारों को, उन्होंने कभी ग्रंथ ही नहीं पढ़े, तो उन्हें इस्कॉन दिखता है, उसकी उनकी बातें दिखती है, तो इसलिए मान लेते हैं कि हाँ भाई ऐसा ही होगा सनातन धर्म। तो आज इस्कॉन के तरीके से सनातन धर्म को अब्राहमिक बनाया जा रहा है। खैर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मुझे तो पता है सनातन धर्म का कोई कुछ बाका कर नहीं सकता कभी भी। समय समय पर लोग आए हैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए, समय समय पर लोग आए हैं अधर्मियों के विनाश के लिए। मुझे पता है इनका विनाश भी जल्द होगा, तुरंत होगा, जैसे आज क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का विनाश हो गया है क्योंकि लोग लॉजिकल हो गए हैं, वैसे इनका भी हो जाएगा, आई एम श्योर, आई नो फॉर द श्योर। लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक हमें लोगों को बचाना पड़ेगा, लोगों को सही रास्ते पर लाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि रियल ट्रेडिशन क्या है, रियल सनातन धर्म क्या है, ये हमारा दायित्व है। तो बस इतना ही मुझे कहना है, थोड़ा मैंने शॉर्ट में किया, थोड़ा लास्ट में। लेकिन ये सब जो भी बातें मैंने बोली है वो सब इतना सब जानने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद, पढ़ने के बाद, एक्सप्लोर करने के बाद, एज अ सीकर मैं ये सब बोल रहा हूँ, एज अ खोजी, ये एक खोजी के बीच एक इंक्वायरी थी, खोजी ने जो जाना बस उसे शेयर किया, ऐसा आप समझो कि वीडियो एक ऐसे खोजी का है कि जिसने जिस तरह से हिस्ट्री और ये सब समझा, जिस तरह से सभ्यताओं को कनेक्ट किया, जिस तरह से उनके बिलीव्स को कनेक्ट किया, और फिर बस उसे शेयर कर दिया। इस वीडियो को इस तरह से देखो। तो बस इतना ही मुझे कहना है कि भाई कुछ भी हो जाए सनातन धर्म को अब्राहमिक कभी बनने मत देना,
जो गलती पैगन ट्रेडिशंस ने की है वो गलती आप मत करना, हमें ये सीख मिलती है। और इसलिए मैं कहता हूँ आपको कि पुराने ट्रेडिशंस को एक्सप्लोर करो, आप भी यही बात बोलोगे जो मैं बोल रहा हूँ, आप भी इसी कंक्लूजन पर आओगे जो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, बिलीव मी। बस एक बार एक्सप्लोर तो करो, एक बार एज अ सीकर बन के सब जानने की कोशिश तो करो, इतना बस कर लो, फिर मुझे ऐसा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका भी कंक्लूजन यही होगा जो मैं बोल रहा हूँ। तो बस इतना ही मुझे कहना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।